फ्री सब्सक्राइब कीजिए जवाबी बाबा चैनल को और बेल आइकन को दबाएं, रोज पाएं ऑसम नॉलेज वीडियोस। और क्या हाल है? तो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं फ़ोन्स के डिस्प्ले पैनल टाइप के बारे में। जब एक फ़ोन ख़रीदने जाते हैं या फ़ोन के बारे में रिसर्च करते हैं, डिस्प्ले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। अब डिस्प्ले पैनल अलग अलग टाइप के होते हैं, LCD, TFT, सुपर एमोलेड, एमोलेड, इन सब का मतलब क्या होता है, इनसे आपको समझ में क्या आता है। हम क्या देखते हैं कि फ़ोन जितना महंगा है तो उसी हिसाब से जो डिस्प्ले उतना ही अच्छा होगा, और होता भी है, और हम ख़रीद लेते हैं, लेकिन इन डिस्प्ले पैनल टाइप का हमको मतलब नहीं मालूम होता। आज के वीडियो में आपको बताता हूँ कि इनका मतलब क्या है हाई लेवल, और क्या फ़ायदे हैं किसी एक पर्टिकुलर डिस्प्ले पैनल टाइप के। देखते रहिए इस वीडियो को आगे। मेरा नाम है हुसैन, चैनल का नाम है जवाबी बाबा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो बहुत ही पुराने फ़ोन थे, जो एक एक दो दो इंच की स्क्रीन होती थी, वो नोकिया 3310 के ज़माने के, तो वो जो मोनोक्रोम डिस्प्ले होते थे वो तो बिल्कुल ही फेज़ आउट हो चुके हैं, वो ख़त्म हो चुके हैं। वो आप जानते हैं कि वो कौन सी स्क्रीन हुआ करती थी, अगर आपने 1990-2000 में फ़ोन्स यूज़ किए होंगे तो। आजकल स्मार्टफोन का जो ज़माना है, जो 3, 4, 5, 6, 7 इंच की जो स्क्रीन साइजेस हैं, इनके ऊपर जो स्क्रीन चलती है और जो टीवीज़ पर जो स्क्रीन चलती है, तो इनमें LCD का यूज़ होता है। और जितने भी जो दूसरे स्क्रीन पैनल टाइप हैं, चाहे वो TFT हो गया, चाहे वो AMOLED हो गया, OLED हो गया, ये सारे के सारे LCD से ही शुरू हुए हैं। LCD के एडवांस वर्जन है। तो अगर मैं LCD की बात करता हूँ तो LCD का मतलब होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। सनलाइट में बहुत बेटर काम करता है। इसमें बैकलिट डिस्प्ले होता है, यानी कि बैकग्राउंड से लाइट आ रही होती है, जो इसका पैनल होता है पीछे की तरफ से लाइट आ रही होती है, पूरा का पूरा जो पैनल है वो लिट होता है, और जिसकी वजह से सनलाइट में अच्छा काम करता है, पावर थोड़ी सी ज़्यादा यूज़ करता है। टीवीज़ में टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा फेमस थी जब LCD TV नए नए चले थे, आजकल LED आ रहे हैं, जो कि LCD ही का एक एडवांस वर्जन है। फिर LCD के बाद फेमस हुए TFT स्क्रीन्स। TFT का मतलब होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। तो TFT स्क्रीन्स आपको याद होगा पहले बहुत मशहूर हुई थी, जब थोड़े से सेमी स्मार्टफोन या मैं कहूँ फीचर फ़ोन्स आने लग गए थे, जैसे कि सोनी का एक K700, नोकिया 6600 बहुत ज़्यादा मशहूर फ़ोन हुआ था अपने ज़माने का, तो इन सारे फ़ोन्स में TFT स्क्रीन्स आती थी, ठीक है। तो उस वक्त ये TFT स्क्रीन्स बहुत मशहूर थी, कैमरा भी अच्छा चलता था। तो इसमें क्या होता है, TFT में एडवांस मैट्रिक्स का इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से हर पिक्सल के लिए एक ट्रांजिस्टर का यूज़ होता है। तो अब जैसा कि मैंने कहा कि वो जैसे वो फीचर फ़ोन का ज़माना ख़त्म हो गया, वैसे अब ये TFT का भी ज़माना, जो बिल्कुल ही लेगेसी TFT स्क्रीन है, उनका ज़माना ख़त्म हो गया। और उसकी वजह यह है कि इन फ़ोन्स की जो स्क्रीन होती थी, जो स्टैंडर्ड TFT की जो स्क्रीन होती है, सनलाइट में बहुत ही बेकार तरीके से काम करती है। इसमें हर पिक्सल के साथ एक ट्रांजिस्टर यूज़ तो होता है, लेकिन क्योंकि इसके व्यूइंग एंगल्स अच्छे नहीं हैं, कलर रिप्रोडक्शन ज़्यादा अच्छा इसमें नहीं होता है, इसी वजह से जो इसके कैमरे हैं उस वक्त हमको चाहे अच्छे लगते होंगे, लेकिन आज के दौर में अगर आप कोई कैमरा यूज़ करो TFT स्क्रीन पर, तो बिल्कुल भी आपको मज़ा नहीं आएगा। और अब ये बिल्कुल इसका जो इस्तेमाल है वो फेज़ आउट हो गया। इसके बाद मैं बात करता हूँ IPS की। IPS का मतलब यहाँ पे इंडियन पुलिस सर्विस से नहीं है, IPS का मतलब है यहाँ पे इन प्लेन स्विचिंग। यहाँ पे IPS का मतलब है इन प्लेन स्विच। LCD का ही टाइप है, LCD TFT का ही एक एडवांस वर्जन है, लेकिन कामयाब ये इसलिए है, और आजकल इसका यूज़, आजकल जो आप फ़ोन देखते होगे तो आपको IPS या डिस्प्ले टाइप में देखोगे तो आपको बहुत सारे फ़ोन्स में IPS टेक्नोलॉजी का यूज़ होता हुआ दिखेगा। इसमें ये बेटर TFT से इसलिए है क्योंकि इसमें डुअल ट्रांजिस्टर का यूज़ होता है हर एक पिक्सल को पावर करने के लिए, बैकलिट भी इसमें यूज़ हो रहा है, और इसकी वजह से जो इसका कलर रिप्रोडक्शन है वो अच्छा काम करता है। व्यूइंग एंगल्स, मतलब जो कमी TFT में थी उनको दूर करके ये IPS लॉन्च हुआ था, और इसके व्यूइंग एंगल्स काफ़ी अच्छे आते हैं, तो इसलिए IPS का यूज़ आजकल बहुत ज़्यादा होता है। अब इसमें बस एक खामी ये है कि थोड़ी सी पावर ये ज़्यादा यूज़ करता है, क्योंकि बैकलिट होता है, पावर ज़्यादा यूज़ करता है, लेकिन फिर भी जो TFT में पावर यूज़ होती थी उतनी पावर नहीं यूज़ होती है, तो उससे ये फिर भी बेटर है। OLED या मैं कहूँ AMOLED, इसको AMOLED भी बोलते हैं। सैमसंग के स्मार्टफोन जब से आने शुरू हुए तब से आपने AMOLED नाम सुनना शुरू किया होगा। AMOLED में
एडवांस, इसका फुल फॉर्म होता है एडवांस मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डॉट, ऐसे करके इसकी फुल फॉर्म है, जो कि बिल्कुल भी घंटा समझ में नहीं आती है। इससे बस आप ये समझो कि ये भी एक एडवांस वर्जन ऑफ एलईडी होता है। इसमें नाम बड़ा ही मुश्किल हो, लेकिन एक अगर इसको सिंपली समझा जाए तो इट्स एन एडवांस वर्जन ऑफ एलसीडी स्क्रीन। ये काम क्या करता है, ये काम को जिस तरीके से करता है कि इसमें जब इस पैनल में जब करंट पास होता है थ्रू एवरी पिक्सल, तभी ये लिट करता है। मतलब अनलाइक एलसीडी एंड टीएफटी स्क्रीन, जहाँ पे एक बैकलिट हमेशा रहता है, पीछे से लाइट हमेशा आती रहती है, उसकी बजाय ओनली व्हेन अ पिक्सल इज इलेक्ट्रिफाइड देन इट लिट्स, एंड दैट कॉजेज इट टू यूज़ वेरी लेस पावर बट स्टिल बी वेरी एफिशिएंट इन डिस्प्लेइंग यू वट एवर यू आर सीइंग ऑन इट। तो अगर मैं आसान भाषा में समझाऊँ तो ये है कि जितनी ज़रूरत सिर्फ उतनी ही एनर्जी इसमें पास होती है, जब करंट इसमें पास होता है तभी ये एमिट करता है। इसका मैं अगर एग्जांपल दूं तो आपको, जैसे कि ब्लैक, अगर आप कुछ ऐसी इमेज देख रहे हो स्क्रीन पे जिसमें ब्लैक का ज़्यादा यूज़ है या डार्कर कलर का या ज़्यादा यूज़ है, तो ये ऑर्गेनिकली उसका यूज़ करेगा, ये हमेशा ऑफ रहेगा, लेकिन जिस कलर को आपको दिखाना है सिर्फ उस कलर के हिसाब से ही स्क्रीन ऑन होती है। ठीक है, जिस कलर में ज़रूरत ही नहीं है ऑन होने की, जैसे कि ब्लैक एंड डार्कर कलर्स, तो उसमें उसी हिसाब से कम ऑन होती है। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको प्योर ओरिजिनल रेंडरिंग दिखती है कलर्स की, और पावर भी कम यूज़ होती है। पावर भी कम यूज़ होती है, इसका मतलब बैटरी बैकअप अच्छा होता है। बस इसमें खामी एक यह है कि इस टाइप के जो एडवांस पैनल्स हैं ये महंगे आते हैं, और यही वजह है कि ये महंगे फ़ोन्स में यूज़ होते हैं। तो इसीलिए ये भी कहते हैं कि जितना महंगा फ़ोन डिस्प्ले उतना अच्छा, क्योंकि उसमें ज़्यादातर एमोलेड, रेटिना, सुपर एमोलेड टाइप के पैनल्स यूज़ हो रहे होते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर आपके फ़ोन में डार्क थीम है, जैसे कि आजकल आप देखोगे कई ऐप्स हैं जो डार्क थीम के साथ आते हैं, ओएस में डार्क थीम, क्रोम में डार्क थीम, वो डार्क थीम इसलिए आते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि आपको डार्क कलर पसंद है, बल्कि इसलिए भी कि अगर आप वो यूज़ करेंगे देर आर चांसेस दैट यू विल गेट अ बेटर बैटरी लाइफ। एमोलेड में आपको सनलाइट में थोड़ा सा डिग्रेडेड परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है, क्योंकि बैकलाइट डिस्प्ले नहीं होता है। अब मैं अगर बात करूँ सुपर एमोलेड की, तो सुपर एमोलेड में सैमसंग ने ये टर्म इजाद की, ठीक है, अदरवाइज सुपर एमोलेड नाम की ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। सैमसंग ने एक मार्केटिंग गिमिक करके इसको ईजाद किया, लेकिन उसमें उन्होंने इसकी इसी खामी को पकड़ा कि भैया ये सनलाइट में नहीं अच्छा दिखता था, तो अब सनलाइट में अच्छा दिखता है। सुपर एमोलेड में उन्होंने ये भी करा कि जो टच रिस्पॉन्सेज हैं, जो टच रिस्पॉन्स पैनल है, उसको उन्होंने इंटीग्रेट कर दिया डिस्प्ले के साथ ही, बजाय एक एडिशनल लेयर वहाँ पर लगाने के, और इसकी वजह से इसको फिर उन्होंने बोलना शुरू कर दिया सुपर एमोलेड, जो कि ऑफ कोर्स एमोलेड का एक एडवांस वर्जन है, और इसलिए ये सुपर एमोलेड और भी ज़्यादा महंगे फ़ोन्स में आता है। अब मैं बात करता हूँ रेटिना की। तो रेटिना में ये एप्पल ज़्यादातर अपने जो 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 कोर टेक्नोलॉजी है, जो अपनी पायनियर टेक्नोलॉजी है, पायलट जो जो इन्होंने खुद करी है अपने ओएस के साथ काम करने के लिए, उसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करते हैं। लेकिन रेटिना का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो रेजोल्यूशन के ऊपर है, कि जितने ज़्यादा रेजोल्यूशन, जितने ज़्यादा PPI, उतनी अच्छी इमेज। ये उन्होंने शुरू करा था, वैसे एक मार्केटिंग गिमिक ही है ये, वर्ड एप्पल ने ईजाद करी। सैमसंग ने ईजाद कर दिया सुपर एमोलेड, एमोलेड हुआ करता था मार्केट में, उन्होंने अपना वर्ड बना दिया सुपर एमोलेड, तो एप्पल का हमेशा इससे कॉम्पिटिशन रहता है, ये कहाँ पीछे रहते हैं, इन्होंने अपना वर्ड ईजाद कर दिया रेटिना। रेटिना में इन्होंने iPhone 4 से शुरू करा था, कि 3.5 इंच की स्क्रीन में इन्होंने 330 PPI का डिस्प्ले दिखाते थे। PPI होता है पिक्सल पर इंच, जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे उतना ज़्यादा अच्छा डिस्प्ले आपको दिखेगा, ये तो आपको मालूम ही होगा, इसीलिए लोग ज़्यादा बड़ा मेगा पिक्सल वाला कैमरा लेते हैं। लेकिन एक लिमिट होती है इसकी, ठीक है, एक लिमिट के बाद आंखों को पता नहीं लगता है, क्योंकि सब स्क्रीन साइज़ भी मैटर करता है। अगर आप 5 इंच की स्क्रीन में हज़ारों पिक्सल घुसा दोगे तो उसमें आपको फ़र्क थोड़ी ना पता लगेगा कि कितना अच्छा दिख रहा है, वो स्क्रीन साइज़ पे भी मैटर करता है। तो ज़्यादा PPI मतलब अच्छा डिस्प्ले, लेकिन स्क्रीन साइज़ पे भी मैटर करता है। अगर स्क्रीन साइज़ छोटा है तो आपको पता नहीं लगेगा 500 और 1000 में फ़र्क क्या है। आजकल जितने भी फ़ोन्स आ रहे हैं वो ज़्यादातर जो महंगे फ़ोन हैं, जो ठीक ठाक मिड मिड टू एक्सपेंसिव रेंज के फ़ोन हैं,
वो 400 से 500 PPI के आते हैं। सैमसंग की जो है सीरीज है उसमें बहुत अच्छे PPI देखने को मिलते हैं। तो ये एप्पल जो अपने लैपटॉप्स और फ़ोन्स में रेटिना डिस्प्ले बोल के बेचता है, इसका मतलब यही है कि हायर रेजोल्यूशन मोर PPIs ऑन ऑल देयर मॉडल्स दैट दे आर सेलिंग। iPhone 4 में उन्होंने शुरू शुरू करा था, और आज जो उनके एक्स सीरीज़ के फ़ोन आ रहे हैं, चाहे वो iPhone X हो या XS हो या XR हो, इन सब में वो 450 450 के आसपास PPI दे रहा है, जिसकी वजह से उनका डिस्प्ले बहुत अच्छा होता है। सैमसंग के जितने भी लेटेस्ट फ़ोन है उसमें ऑलरेडी बहुत अच्छा PPI आ रहा है। तो ये यहाँ यहाँ इससे आप रेटिना का मतलब समझ सकते हो। तो ये तो थे ऑल दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैनल्स दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट। इसमें बहुत ज़्यादा लोग इसमें घुसते नहीं हैं, लेकिन ये वीडियो था आपको हाई लेवल मतलब समझाने के लिए। कुल मिला के जो सुपर एमोलेड एमोलेड होते हैं, वो ऑफकोर्स एडवांस टेक्नोलॉजी है जो कि LCD से ही एडवांस होके बनी है, कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं आई है, बस उसका एडवांस वर्जन है। तो इस टाइप के पैनल्स आप लेते हैं अगर फ़ोन्स में, तो महंगे फ़ोनों में ही आते हैं, लेकिन अगर आपको सस्ते फ़ोन में वैसी टेक्नोलॉजी मिल रही है तो फिर बहुत अच्छी बात है, आप ले सकते हैं। तो ये था वीडियो आजकल के जो डिस्प्ले पैनल टाइप्स हैं उनके बारे में। अगर आपको ये थोड़ा बहुत जानकारी वाला लगाओ तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इस तरीके के क्यों क्या कैसे वाले वीडियोज़ में जवाबी बाबा भी बनाता रहता हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।